गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न अबाउट टू ओपैम कंपनसेटेड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। मीन्स यूजिंग टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर वी कंपनसेट इन लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, कंपनसेटेड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन कंपनसेटेड इन लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में हमने बताया आपको कि वी रेफरेंस इज इक्वल टू आई एस इन टू आर आई। ये हमने आपको बताया था लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में कि आई एस इज हाईली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, हाईली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और अगर लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में आई एस टेम्परेचर के पे हाईली डिपेंड कर रहा है तो इसके मतलब आउटपुट ऑफ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर हम लोगों ने देखा था तो उसमें क्या होता था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई एस डबल हो जाती थी, जिसके कारण क्या हो रहता था, आउटपुट इफेक्ट हो जाता था। सेकेंड टर्म वी टी हमने बताया था, वी टी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कि लॉगरिथमिक एम्पलीफायर जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ की क्या कंडीशन है, वो हाईली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो वी टी और आई टी बोथ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब इसको टेम्परेचर इफेक्ट ना करे लॉगरिथमिक आउटपुट के लिए, उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाम है, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज टू ओपैम कंपनसेटेड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर अगेंस्ट द टेम्परेचर। तो देखो बेटा, हमने दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया हुआ है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। एक देखो अपर साइड ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है, सेकेंड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर ए। मीन्स दो ओपैम्प और फ्यू रेजिस्टेंस, 1, 2, 3, 4, फोर रेजिस्टेंस, टू ओपैम्प एंड टू ट्रांजिस्टर। यूजिंग दिस वी कंपनसेट द आई एस एंड वी टू अगेंस्ट द टेम्परेचर। सच अरेंजमेंट आर नोन एज टू कंपनसेटेड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, ओपैम्प में बार बार हम बता रहे हैं ए माइनस टर्मिनल, दिस इज इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज ए पॉजिटिव। अभी इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को एक ट्रांजिस्टर से ले गए हैं। ए सेम कॉन्फ़िगरेशन इन प्रीवियस लेक्चर जैसे हमने बताया था, दिस कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। अब फीडबैक में हमने कलेक्टर लगाया, डायरेक्टली इन्वर्टिंग टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिया, बेस ग्राउंड कर दिया, इमीटर को हमने डायरेक्टली दूसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया है। ध्यान से देखिए, दूसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट से इस इमीटर का आउटपुट हमने कनेक्ट कर दिया है। और ए आर आई रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है हमने अज्यूम किया हुआ है, आई वन बार बार ले रहे हैं, इससे आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आप समझ जाएं। तो वी इन, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस ओपैम नंबर वन। अब बेटा देखो, अब ये तो बात हुई फर्स्ट लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, ऊपर की सर्किट देखो, दैट इज लॉगरिथमिक, दिस इज लॉगरिथमिक एम्पलीफायर सर्किट। सिमिलरली ये वाली सर्किट आप देखिए, तो इसमें भी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल में आर आई रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है और यहाँ से एक ट्रांजिस्टर, ध्यान से देखिए, एक ट्रांजिस्टर है कलेक्टर बेस और इमिटर। इस ट्रांजिस्टर का नाम Q2 दे दिया है, इसका Q1। अब देखो, इसके इमिटर को हमने इस वाली लाइन पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इमीटर को, इस ट्रांजिस्टर के इमीटर को हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। और इसके बेस टर्मिनल को हमने ग्राउंड नहीं किया है, इस बेस टर्मिनल को हम डायरेक्ट ले जाके यहाँ से कनेक्ट कर दिया है बेस टर्मिनल को। और इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी ले जाके हमने कनेक्ट कहाँ किया है, इस सर्किट में बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। दिस इज आउटपुट ऑफ फाइनल सर्किट वी आउटपुट। और यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, और यहाँ
यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हमने लिया है, दैट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तो बोलें दैट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस RTC, इसको हमने डिनोट किया है, दिस इज़ अ RTC, दिस इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस RTC। अब और यहाँ पे वोल्टेज तो आप जानते ही हो, यूजिंग वर्चुअल, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो ये ग्राउंड है, तो इस लीनियर सर्किट के क्रॉस वोल्टेज हमने माना है दिस इज़ अ VBE1, और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हमने माना है VBE2, और यहाँ पे एक नोड लिया हुआ है, दिस नोड इज़ डिनोटेड बाई VA, यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम VA से डिनोट करेंगे, और इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है इसको हम BB से डिनोट करेंगे, BB से। अब यहाँ पे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट में हम क्या अप्लाई करेंगे, V रेफरेंस हमको किसी भी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का पता है, IS × RI, देखिए यहाँ पे IS × RI, इस अमाउंट के वोल्टेज को हम कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जिससे हमें टेम्परेचर का इस लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के आउटपुट पे इफेक्ट ना पड़े। तो इस सर्किट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लिया हुआ है RI, तो अब इस सर्किट की एनालिसिस करते हैं कि V आउटपुट क्या आ रहा है। अब बेटा देखो कि हम लोग किसी भी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का आउटपुट डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट, अपर वाले को देखिए, अपर वाले का आउटपुट हमने लिख लिया है डायरेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर Q1, इस लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का आउटपुट इन टर्म्स ऑफ VBE1, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का ETA VT ln Vin / RI × IS होता है आउटपुट, आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास। तो ईटा की वैल्यू यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट वैल्यू ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1 फॉर कैलकुलेशन पर्पज, सिंपल कैलकुलेशन पर्पज। तो VBE1 की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं VT ln Vin / RI IS इस ट्रांजिस्टर के लिए, इस अपर वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने VBE1 की वैल्यू, आप देखिएगा लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का यही आया है VBE1 VT ln Vin / RI IS। सिमिलरली फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है, लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या लगा है, दिस इज़ अ वी रेफरेंस वोल्टेज, तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, इनपुट की जगह पे क्या होगा वी रेफरेंस, और इस वोल्टेज की जगह पे क्या होगा VBE2। तो VBE2 इज इक्वल टू VT ln V रेफरेंस, यहाँ पे से नीचे वाले में देखिए इनपुट पे वी रेफरेंस लगा RI × IS, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। हम एक्चुअली V आउटपुट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो VBE1 निकाल लिया हमने, VBE2 निकाल लिया। अब देखो कि एट नोड A, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ जीरो वोल्ट है, केवल वोल्टेज क्या मिल रहा है प्लस माइनस VBE1, और यहाँ पे ये डायरेक्ट टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है प्लस माइनस VA, तो अप्लाई द KVL इन दिस लूप, तो प्लस VBE1 प्लस VA बराबर जीरो, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ VBE1, आप जानते हो वहाँ पे हमने डिटेल में बताया है लॉगरिथमिक में, तो VA इज इक्वल टू VBE1, वहाँ पे हमने V आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इस पोटेंशियल V आउटपुट को VA से डिनोट कर रहे हैं, तो VA इज इक्वल टू माइनस VBE1, वहाँ पे V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस VBE1 है। तो अब VBE1 आप निकाल चुके हो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस VT ln Vin / RI × IS, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। VA इज आउटपुट ऑफ दिस लॉगरिथमिक एम्पलीफायर इज माइनस ऑफ दिस वोल्टेज, ये लॉगरिथमिक हम लोगों ने देख चुका है। तो सिमिलरली फ्रॉम फिगर, अब देखो बेटा यहाँ का वोल्टेज क्या है प्लस माइनस VBE2, लेकिन ए टर्मिनल वोल्टेज
कहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे, यहाँ इस टर्मिनल मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या है, VB है, या और इस इमीटर का वोल्टेज आपने मान लिया है VA है, तो BB माइनस VA करेंगे तो A वोल्टेज आ जाएगा कि नहीं, तो BB यहाँ का वोल्टेज देखो बेटा, A वाला वोल्टेज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल, तो बेस का वोल्टेज हमने माना है BB, और इमीटर का वोल्टेज आप देख रहे हो डायरेक्ट कनेक्ट है, इसको VA माना है, तो BB माइनस VA इज इक्वल टू BBE2। ये देखिए फ्रॉम सर्किट, फ्रॉम फिगर, BB माइनस VA इज इक्वल टू BBE2। अगर इसी में पूछे कि BB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो VA को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो BB इज इक्वल टू BBE2 प्लस VA। अब देखो बेटा, VA आप कैलकुलेट किए हो इक्वेशन नंबर 3 में, और BBE2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पता है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 हम मान ले रहे हैं। अगर BBE2 की और BA की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो BB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, वी गेट BB की इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हमने BBE2 की वैल्यू रखा और फिर BA की वैल्यू रखा, तो A आ गया, BTLN B रेफरेंस RI इंटू IS माइनस BTLN BIN अपन RI इंटू IS। अब इसको मैथमेटिकल है, देखो BT कॉमन हो गया, LNM माइनस LNN, तो LNM डिवाइड बाई LNN करोगे तो RIS कैंसिल हो जाएगा, तो A आ जाएगा BTLN B रेफरेंस डिवाइड बाई VIN। लेकिन बेटा हम माइनस लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें वी इनपुट ऊपर लिखना है सुंदर बनाने के लिए, जिससे वी ए के आउटपुट की तरह दिखे। तो यहाँ पे देखो हमने बी बी इज इक्वल टू माइनस बी टी एल एन बी इन अपान बी रिफरेंस हमने लिख दिया है। इसको देखिए एल एन एम माइनस एल एन एन कैलकुलेट करिए तो यही आंसर आएगा। तो बी बी की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव हमें पता चल गया है। और अगर फ्रॉम फिगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है बी आउटपुट, और दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो कोई इस टर्मिनल का वोल्टेज पूछे कि बीबी की वैल्यू इस रेजिस्टेंस देख के कैलकुलेट करिए, तो आप लोग क्या बताओगे कि बीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल वोल्टेज बी आउटपुट है सीरीज में लगा है, तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल बी आउटपुट बीबी की वैल्यू इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, बी आउटपुट RTC डिवाइड बाई R1 प्लस RTC। तो अगर इस सर्किट से भी आप बीबी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो हमने लिखा है देखो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल वैल्यू ऑफ बीबी इज इक्वल टू RTC बी आउटपुट R1 प्लस RTC। अब देखो यहाँ से आपने बीबी निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से भी यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर आपने बीबी कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों को इक्वल करके आउटपुट निकालना है बस, तो इक्वेटिंग इक्वेशन फाइव एंड सिक्स, तो फाइव में RTC बी आउटपुट डिवाइड बाई R1 प्लस RTC, और यहाँ से देखिए माइनस BTLN बी इन अपॉन बी रेफरेंस। अब थोड़ा सुंदर बनाना है क्योंकि हमें बी आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो बी आउटपुट को थोड़ा सुंदर बनाइए, इसको उधर ले जाइए, तो R1 प्लस RTC डिवाइड बाई RTC हो जाएगा, तो RTC कैंसिल होके 1 आ जाएगा, R1 अपॉन RTC। अब VT की वैल्यू चाहे तो एक्सपेंड कर दीजिए, दिस इज KT/Q LN बी इन अपॉन बी रेफरेंस, दिस इज आउटपुट ऑफ 2 ओपन कंपनसेटेड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। देखो बेटा 1 प्लस R1 डिवाइड बाई RTC, इसको हम बोलते हैं दैट इज अ गेन ऑफ दिस कन्फिग्रेशन, तो 1 प्लस R1 डिवाइड बाई RTC इज द गेन वेयर RTC इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड सेंसिस्टर। तो जो RTC हमने सेलेक्ट किया है, दिस इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट सेलेक्ट किया है। अब देखो हम अपने अकॉर्डिंग RTC की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने पे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, तो ए क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो रहा है तो वी आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन
यहाँ भी वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर के गार्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इस टेम्परेचर को इसके अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कंपनसेट कर ले रहा है। सिमिलरली रिफरेंस वोल्टेज क्या है, आई एस इन टू आर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आई एस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, एल एन एम माइनस एल एन एन एक्सपेंड करके देखो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आर टी सी आपका कंट्रोल कर ले रहा है टेम्परेचर का जो भी वेरिएशन, रिवर्स सेचुरेशन करेंट और इस पर बी टी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको ये कंपनसेट कर ले रहा है। तो इसको हम बोलते हैं टू ऑप एम्प कंपनसेटेड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर और इन सबको हम लोगों ने टेम्परेचर के अगेंस्ट कंपनसेट कर लिया है। थैंक यू।